अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो कर ली है मैंने सहरी, मैं उठ गई हूँ, मैंने खा लिया है, सहरी कर ली है, 4:45 का टाइम है, 4:45 का टाइम है, हो चुकी है 4:30 पर, सॉरी, माजरत। तो और बताएं फ्रेंड्स, क्या हो रहा है? आप लोगों ने सबने सहरी कर ली होगी, और कल रात एज यूजुअल लेट हो गया क्योंकि फर्स्ट डे है आज बच्चों का स्कूल का, रीज्वाइनिंग का। असद तो जा रहे हैं पर, लेकिन उनकी भी बीच में डॉक्टर साहब पकड़ेंगे प्लीज, तो उनकी भी 2-3 दिन की छुट्टी हो गई, तो इस वजह से क्योंकि अलविदा जुमा की मैंने छुट्टी करा दी थी, फिर सैटरडे संडे आ गया, तो आज दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे। उनको सुलाना एक बिग टास्क था कल हमारे लिए, क्योंकि नया बैग आया है, नए पेंसिल बॉक्स आई है, तो सो मच एक्साइटमेंट। 11 बज गए पहले उन लोग को करने में, और अयान भाई को तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो तो 12:15, 12:30 सोए हैं। वो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग है कि मुझे स्कूल जाना है, अब मैं 7th में हूँ माशाल्लाह। तो हमने कहा हम दोनों बात करते हैं आपसे, हमारी बात नहीं हुई। तो जो है हमने मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग भी इधर बीच जो है नहीं हो पा रही थी, लेकिन वैसे मैं ले रहा था थोड़ी बहुत, तो चलिए आवाज देखते हैं आज का व्लॉग कैसा रहता है। अब 2-3 दिन तो काम का व्लॉग है, बिकॉज ईद आ रही है, मुझे बहुत सारी सफाइयां करनी। कल मैंने काफी हद तक, अगर कहें तो किचन का 80% वर्क कर लिया है, बट 20% नहीं हुआ है, बाहर से कैबिनेट्स नहीं हुए हैं, और वो सब करना है, बाकी की बालकनी और फिर क्लिनिक भी जाना है। वैसे भी ईद है, साफ सफाई तो होगी ही, आधा सामान इधर से उठा के इधर रख दिया जाएगा, फिर उठा के उधर रख दिया जाएगा, सफाई त्योहारों पे, त्योहारों पे सफाइयां होती हैं, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, इसी बहाने घर का पूरा डीप क्लीनिंग हो जाती है, घर बहुत अच्छा सा लगता है। तो ये तैयार हो गए हैं, असद स्कूल जा रहे हैं, मेरा पाला बच्चा, चुपचाप से, मुझे तो सब पता है, लेकिन उसके हिसाब से चुपचाप से है, और पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि चल रही है सफाई। मैंने स्टार्ट कर दिया है फ्रिज को साफ करना, गंदा हो गया था, देखिए पूरा मैं इसे साफ कर लूं फिर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ इन लोग का एक छोटे से गुटके के साथ चालू हो गया है मैच, ये देखिए वेट और सेकंड भी हुआ है अभी, चलो लिफ्ट आ गई, चलो लेट्स गो, हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जिम्बडीज एंड फैमिली व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आवाज़ थोड़ी लो है बिकॉज सर में शदीद का पेन है, बहुत ज़बरदस्त पेन हो रहा है, और काम तो कुछ भी नहीं हुआ है, और आज तो टाइम ही 6:08 हो गया है। ये देखिए क्लीनिंग चल रही है किचन की, तो ये सब बर्तन नहीं लगाए हैं, कुछ भी नहीं बनाया है मैंने, देखे 6:09, यहाँ देखे पूरा डाइनिंग, क्योंकि सब तरफ मैं डस्टिंग कर रही हूँ। फ्रिज आज मैंने आपसे कहा था, लेकिन ये फायज़ और खुर्शीद भाई लाए थे, और ये मेरी फ्रेंड अफशा लेके आई है, और ये देखिए फ्रिज पूरा साफ एकदम नीट, ये देखिए बस ऑर्गेनाइज़र मुझे लाके इनको सेट करना है, पूरा सब क्लीन हो गया है, और कारपेट्स वगैरह भी वॉश हो गए हैं, कर्टन्स वगैरह ये सब हट गया है, और ये देखिए सुबह के बर्तन ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि दिन में मैं बहुत लेट आई, फिर बच्चों को खाना खिलाया, ये सब लगाने हैं। चलें अब कुछ बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, जैसी रूटीन होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। दुआ करें, मेरे सर में आज बहुत तेज दर्द है। मैं आप लोग को दिखाना भूल गई, आज क्लिनिक पे चच्ची भी आई थी, और उफ अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मूंग दाल का हलवा लेके आई हमारे लिए बना के, और माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लज्जत देखें किस कदर खूबसूरत है। थैंक यू चची, और अब अफ्तार में खाएंगे तो इंशाल्लाह बताएंगे कैसा है, पर देखने में ही गाइस देखें किस कदर लजीज दिख रहा है माशाल्लाह।
दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। कैसा है? मैं जो सर बोलो खट्टा बोलते हैं खाने के, चीज गंदा नहीं बोलते कभी। फ्राई में खाओ, फ्राई में पूरे रमजान निकल गए। डॉक्टर साहब ने मेरे को एक अफ्तारी बाहर से निकल आई। खाली इनको खाने का शौक है और मेहनत करवाने का शौक है। आज मैंने कहा था, झूठ बोलते हैं। आज मैंने कहा था आपसे, मैंने यहाँ पे कहा था, फिर उसका नजर किया गई। तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? उठा दिया होगा मुझे, मैं मारा दे तुरंत। उल्टी उल्टी हरकतें करने में आ गए। बैठ जाओ शांत होके। आशु चैन नहीं है, गंदी बात। कभी कभी जो है पूरा दिन ऐसा बीत जाता है कि पता नहीं चलता। तो आज का दिन भी कुछ ऐसा रहा कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा। एक्चुअली कुछ क्लिनिक पे पेशेंट्स थे और सीरियस थे, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। दोपहर बाद भी काफ़ी देर उसमें बिजी रहा मैं। शाम को मैं क्लिनिक पर गया तो भी काफ़ी बिजी रहा। तो ओवर एक्चुअली जो है लाइफ जो है कभी कभार काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और काफ़ी बिजी हो जाती है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जब आप काम करते हैं, किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो कभी बिजी कभी जल्दी फ्री हो जाते हैं। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल काम कर रहे हैं। तो है रमज़ान के जो अब लास्ट की जो है रातें बची है, आज जो है शबे कद्र की जो है 29वीं सब है। तो आज जो है का नमाज पढ़ी जाएंगी, दुआएं करी जाएंगी, तो आज इसमें लगते हैं अभी। और उसके बाद में जो है छोटे मोटे काम होंगे, वो काम निपटाए जाएंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर कैसा रहता है अभी। तो बात साथ में बने रहिए, फिर आगे बताता हूँ मैं। घर पे काफ़ी देर पहले ही आ गया था, पर थोड़ा सा बिजी रह गया, कुछ काम थे, कपड़े वगैरह कुछ वॉशिंग में पड़े हुए थे, फिर वो भी बाहर डलवाए साथ में लग के। और थोड़ी भूख लग गई थी तो थोड़े गुलगुले बचे हुए थे, गुलगुले खाए और थोड़ा सा हलवा खाया, और अब कुछ ठीक लग रहा है, भूख अब ठीक है। तो खैर आज का जो ब्लॉग था, एक बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं था, छोटा मोटा सा ही ब्लॉग था, लेकिन हमने आज भी सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। और होप्स हो कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ही जो है आज का मैं ये ब्लॉग फिनिश करता हूँ। तो आप सबके लिए हेल्दी लाइफ के लिए, आप सब हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ये विशेष है मेरी। और इसी के साथ ही जो है बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शबा खैर।